हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन 2016 का। हम लोग एक्चुअली पेपर कर रहे थे, ठीक है। तो उसके हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम उनको भी आज देख लेंगे, ठीक है। और फिर आपका 2016 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं पेपर ओपन कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ओके, तो ये 2016 का पेपर है, ठीक है। तो इसके हमने सारे क्वेश्चंस ही देख लिए हैं। आप इसका इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से इसके जाके एक एक क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, तो आपका ये 2016 का पेपर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 मोर मिनट। दिस इज द क्वेश्चन। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू अ कॉन्फ्रेंस रूम फॉर सीटिंग 80 पर्सन इन साइड डिजाइन कंडीशंस ओके। इनसाइड डिजाइन कंडीशन दे रखी है, आउटसाइड डिजाइन कंडीशन दे रखी है, सेंसिबल और लेटेंट लोड दे रखे हैं पर पर्सन, लाइट और फैन के लोड दे रखे हैं, सेंसिबल हीट गेन दे रखी है, एयर इन्फिल्ट्रेशन दे रखा है, फ्रेश एयर सप्लाई, बाईपास फैक्टर, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। और हमसे ऑपरेटर्स, ड्यू पॉइंट, ग्रैंड टोटल हीट और इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर हमसे पूछा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमसे पूछी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये एक एक्चुअली आप सबसे पहले ये कौन सी यूनिट का न्यूमेरिकल है, ये हम देख लेते हैं। ये है यूनिट आपकी यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। और ये बेसिकली डिज़ाइन ऑफ कूलिंग लोड एस्टीमेशन आप कह सकते हो, कूलिंग लोड एस्टीमेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सेंसिबल लोड, टोटल सेंसिबल लोड कितना है, ठीक है। टोटल सेंसिबल लोड कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे टोटल लेटेंट लोड कितना है, ठीक है। टोटल लेटेंट लोड कितना है, और फिर उसके बाद रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार रूम सेंसिबल हीट फैक्टर मिल जाएगा तो फिर हम उसके बाद आगे इसमें अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले टोटल सेंसिबल लोड निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसमें सेंसिबल लोड क्या क्या दे रखे हैं। देखिए, एक उसमें सेंसिबल लोड ये दे रखा है, सेंसिबल एंड लेटेंट लोड पर पर्सन है 75 और 45। उसके बाद लाइट और फैन का लोड, ये किस में जाएगा, ये भी सेंसिबल लोड में जाएगा, ठीक है। तो इस वाले को हम 75 को हम सेंसिबल लोड, सेंसिबल हीट लोड 1 कह सकते हैं, लाइट वाले को सेंसिबल हीट लोड 2 कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हीट गेन थ्रू ग्लास, इसको हम लोग सेंसिबल हीट गेन 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 लोड हो गए। तो कौन कौन से हमारे सेंसिबल लोड हो जाएंगे, एक हो जाएगा 75। अब यहाँ पे ये जो लोड है ये पर पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 80। तो टोटल कितना हो जाएगा, 75 × 80, ठीक है। प्लस अगर इसमें लाइट और फैन लोड कितना है, 12,000, ठीक है। प्लस सेंसिबल हीट गेन थ्रू ग्लासेस कितना है, ये कितना है, 12,000, ठीक है। क्या यही 3 लोड है, नहीं, एक लोड और भी है। वो कौन सा है, वो लोड निकालने के लिए ये आपको दे रखा है, एयर फिल्ट्रेशन। एक्चुअली जो एयर फिल्ट्रेशन जो होती है वो भी एक तरीके से जो एयर कंडीशनर होता है उसके ऊपर लोड ही होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बाहर से एयर रूम के अंदर आएगी वो उतना ही ज़्यादा रूम को हीट अप करेगी, तो वो भी इसके अंदर एक लोड होता है। लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो अब ये वाला जो लोड है बिकॉज ऑफ दिस इनफिल्ट्रेशन एयर, इसको हम सपोज SH4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये SH4 हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सेंसिबल हीट लोड, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, टोटल सेंसिबल नहीं, टोटल लेटेंट हीट लोड। टोटल लेटेंट हीट लोड कितना हो जाएगा, ये वाला 45, 45 × 80 प्लस, और तो कोई यहाँ पे लेटेंट हीट लोड दे नहीं रखा है, बस एक इनफिल्ट्रेशन जो एयर है ये सेंसिबल हीट लोड भी जनरेट करेगी और
लेटेंट हीट लोड भी जनरेट करेगी, तो उसको हमने LH2 मान लिया। अब ये जो SH4 है और LH2 है, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसकी H1 और H2 चाहिए होगा। तो उसके लिए हम अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे चले चलते हैं और हमारी ये जो कंडीशंस हैं इसकी हेल्प से हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो SH4 और LH2 निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। तो हमारी जो कंडीशंस दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, 38 डिग्री सेल्सियस DVT दिया हुआ है हमें, ठीक है, और 28 डिग्री सेल्सियस WBT दिया हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है, ये आउटसाइड की कंडीशन है, और इनसाइड की या रूम की कंडीशन क्या दी हुई है, 22 डिग्री सेल्सियस DVT दिया हुआ है और 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस हमें दी हुई हैं। तो हम इन कंडीशंस को इस पर प्लॉट कर लेते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले जो इनसाइड कंडीशन और आउटसाइड कंडीशन होती है उनको ही आप प्लॉट किया करिए। तो 38 की लाइन कहीं यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है, 38, और ये हमारी कहाँ है, 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये शायद कुछ गलत सेलेक्ट हो गया, इसको छोड़ देते हैं, लाइन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अब ठीक है। तो 38 की लाइन है यहाँ कहीं पे, ठीक है, 38 और 28, ठीक है। तो ये 38 की लाइन है और 28 की जो लाइन है ये 30 है, ये 29 है, ये 28 है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट टू मार्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस और 55%। तो 22 यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, ये 22 हो जाएगा, और 55 के लिए हमें इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम 55 देख लेते हैं, 55 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, ये 22 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे मार्क हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, SH4 और LH2 निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये हो गए ज्वाइन, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम ध्यान रखिएगा हमें क्या निकालना है, SH4 और LH2। तो ये पॉइंट वन हो जाएगा, ये पॉइंट टू हो जाएगा, और जहाँ पे ये ज्वाइन हुए इसको आप पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है। नाउ H1 माइनस HA मल्टीप्लाइड बाय M डॉट, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा LH2, ठीक है, और इसके अलावा HA माइनस H2 मल्टीप्लाइड बाय M डॉट, ये हमें क्या देगा, SH4, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब H1 कितना है, आप यहाँ से देख लीजिए, H1 कितना है, 90, ठीक है। HA कितना है, HA आप इस वाली लाइन के अलोंग चले जाइए, इस वाली लाइन के अलोंग, ये आपका आ जाएगा अराउंड 63, ठीक है। HA कितना है, 63, ठीक है। यूनिट सब जगह किलो जूल पर केजी है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यूनिट्स मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, किलो जूल पर केजी। H2 के अलोंग कितना है, 45, ठीक है। तो H2 के अलॉन्ग कितना है, 45, ठीक है। अब M डॉट कैसे निकालेंगे, M डॉट निकालने के लिए आप यूज़ कर लीजिए, इनफिल्ट्रेशन एयर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, 18, इनफिल्ट्रेशन का वॉल्यूम दे रखा है 18, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस वन पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है 0.92 और ये कितना है 0.90, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, 0.91 आप मान लीजिए, 0.91 यहाँ से आपको एम डॉट आ जाएगा, ठीक है, मैं अब इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। तो ये मिल गया आपको एम डॉट, ये मिल गया, ये है आपका H1, ये है HA और ये है H2, सारी वैल्यू उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो LH2 कितना हो जाएगा, LH2 आप निकाल लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए और LH2 को कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा आपका 8.9 किलोवाट। और SH4 कितना आ जाएगा, SH4 आपका आ जाएगा 5.93 किलोवाट,
ठीक है, समझ में आ गया। आप यहाँ पे H1 की वैल्यू रखिएगा 90, HA की वैल्यू रखिएगा 63 और M डॉट रखिएगा 18/0.91। और ये ध्यान रखिएगा कि 18 किस में है, मीटर क्यूब पर मिनट में है, ये ना 18 मीटर क्यूब पर मिनट में है, तो आपको इसको पर सेकेंड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18/60। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको यही वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम दोबारा से अपने चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो अब हमें SH4 मिल गया। SH4 हमारा आया है 5.93 किलोवाट, यानी कि अब SH4 की जगह हम रख देते हैं 5930। ठीक है, क्योंकि ये भी वाट में है, ये भी वाट में है और ये भी वाट में है, तो इसको भी हमने वाट में रखा है। और LH2 हमारा कितना आया था, LH2 आया था 8.90 किलोवाट, यानी कि 8900, तो ये भी वाट में और ये भी वाट में। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल जो आपका ये आएगा सेंसिबल हीट लोड, ये आ जाएगा 35930 वॉट। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12500 वॉट। ठीक है, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप निकाल सकते हो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35930 डिवाइड बाय 35930 प्लस 12500। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.741। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने सबसे पहले क्या किया, सारे जो सेंसिबल लोड थे उनको लिख लिया, जो लेटेंट के लोड थे उनको लिख लिया, और ये जो इनफिल्ट्रेशन एयर है 18, इसकी वजह से लोड आएगा SH4 और LH2, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, H1 पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट H1 है, H2 पॉइंट मार्क किया और एक स्ट्रेट लाइन खींची और वहाँ से एक पॉइंट A मार्क किया। ठीक है, तो H1 माइनस HA यहाँ से क्या मिला, LH2, और HA माइनस H2 यहाँ से क्या मिला, SH4। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये हमारा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आ गया। ठीक है, तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमारा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कितना आ गया था, ये आ गया 0.741। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 2/3 ऑफ द रिसर्कुलेटेड एयर एंड 1/3 ऑफ द फ्रेश एयर आर मिक्स्ड, यानी कि ये हमारा पॉइंट वन है, ये पॉइंट हमारा टू है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है साइकोमेट्रिक चार्ट पे, तो हमें पॉइंट थ्री निकालना है इन दोनों के बीच में। तो वो कैसे निकालेंगे, वन पे क्या है हमारी आउटसाइड एयर है और टू पे क्या है हमारी, टू पे हमारी रिसर्कुलेटेड एयर है। तो उसने कहा है 2/3 ऑफ द रिसर्कुलेटेड एयर, 2/3 ऑफ द रिसर्कुलेटेड, इसकी एंथैल्पी हमने कितनी लिख रखी है, वहां से आपको ध्यान होगा H1 की वैल्यू हमने कितनी लिखी है 90 और H2 की वैल्यू हमने कितनी लिखी हुई है, H2 की वैल्यू हमने लिखी है 45। ठीक है, H2 की वैल्यू हमने लिखी है 45 और जो 63 वैल्यू लिखी थी वो HA की लिखी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 63 जो वैल्यू लिखी है ना, जो हमने इसको स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन किया ऐसे ऐसे करके, वो HA है, वो H3 नहीं है। ठीक है, वो अलग है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो H3 की वैल्यू हमें निकालनी है। H3 कौन सी कंडीशन हो जाएगी, जब ये इसमें कॉइल के अंदर एंटरिंग की कंडीशन H3 होगी। तो 2/3 × 45 प्लस 1/3 × 90 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1/3, यहाँ से आपको क्या मिलेगा H3। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए तो H3 की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिए H3 कितना आ रहा है, H3 हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, H3 आ जाएगा 60 किलो जूल पर kg। ठीक है, तो H3 हमें पता चल गया यहाँ से 60 किलो जूल पर kg। ठीक है, ये H3 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, अब हम ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो हम दोबारा से अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है, हमने पॉइंट थ्री लोकेट कर लिया, कहाँ पे है 60, ये वाली जो लाइन है ना, इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर देंगे, जहाँ पे ये स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट आप, इसको मैं इस वाले को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलो सारा ही क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वेट, जो वो वाली लाइन्स हैं उनको एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहली क्या थी हमारी, 38 और 28। ठीक है, तो 38 की लाइन हमारी ये है,
38 और 28, 38 और 28, 38 और ये है हमारी 28 की लाइन, ठीक है, 38 और 28, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 22 और 55, तो ये हमारा 22 है और 55 हमारा पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो सब डिलीट हो गया था इसलिए हमें फिर से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, इसको हमने फिर से ज्वाइन कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार आप बनाएंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। हम पॉइंट 3 को लोकेट कर लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3, ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया 3, ठीक है, 3 पॉइंट मार्क कर लिया। अब हमें चाहिए ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने से पहले आपको जो हमने रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकाला था 0.741, उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले जब भी आपको ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन बनानी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अलाइनमेंट सर्किल ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप एक 26 और 50, ये जहाँ पे स्ट्राइक करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट सर्किल, ठीक है, ये हो गया 26 और 50। अब आप क्या करिए, जो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर है आपका 0.741, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन खींचे इस अलाइनमेंट सर्किल को, इस पॉइंट को टच करते हुए, ठीक है, इस पॉइंट को टच करते हुए, ठीक है, और इसी के पैरेलल में एक लाइन खींचनी है आपको पॉइंट नंबर 2 से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे जहां पे भी ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है। आप तो स्केल रख के खींचेगा तो आपकी और ज्यादा अच्छे से एक्यूरेट आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा मेन स्टेप क्या है, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट करना। अब देखिए, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रायल और एरर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको देखिए ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए उसने हमें एक डाटा दे रखा है, बाईपास फैक्टर, ठीक है। वापस से क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन था हमें निकालना है ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो H3 हमारा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमें निकालना है, ये हमारा पॉइंट 1 है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट 2 है, ये हमारा पॉइंट 3 है, ठीक है, ये पॉइंट 3 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचनी है इस तरह से, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, ये, हाँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइन खींचनी है पॉइंट 3 से, ठीक है, इस तरह से। और एक लाइन हमने पहले से खींच रखी है जो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आपने रूम सेंसिबल हीट फैक्टर देखा था, यहाँ से आपने एक लाइन खींची थी अलाइनमेंट सर्किल को ज्वाइन करते हुए, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन आपने खींची थी, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बाईपास फैक्टर हमारा क्या होता है, बाईपास फैक्टर होता है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 हो जाएगा, और ये पॉइंट जहां पे स्ट्राइक करेगा ये होगा हमारा ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर क्या होता है हमारा, T4 - TADP डिवाइड बाय T3 - TADP, ठीक है। तो अब एक्चुअली हमें 4 भी नहीं पता है और ADP भी नहीं पता है, दोनों चीजें नहीं पता है। बाईपास फैक्टर तो हमें पता है 0.1 इज इक्वल टू, और हमें T4 भी नहीं पता है और TADP भी नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायल फैक्टर को यूज करेंगे, ठीक है। अब ट्रायल फैक्टर कैसे यूज करेंगे, हम देखिए, हम दोबारा अपने डायग्राम पर चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इस वाली लाइन को स्ट्राइक करेगी, ठीक है, हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस वाले पॉइंट से, ठीक है, और देखेंगे ये लाइन कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है कि हमें T3 तो पता है, T3 का टेम्परेचर तो हमें पता है, ठीक है, वो कैसे पता है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है ये तो हमें पता है, ठीक है। आप इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दीजिए, T3 का टेम्परेचर हमें पता है, ये है अराउंड, ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो ये 25 है, ये 26 है, 27 आप कह सकते हो, ठीक है। तो 27, T3 हमें पता है 27,
और हमें टी फोर जो है वो निकालना है, टी फोर और ए डी पी निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाइप इसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बाईपास फैक्टर कितना दिया हुआ है हमें, 0.1, ठीक है। 0.1 इज इक्वल टू टी फोर माइनस ए डी पी डिवाइड बाय टी थ्री माइनस ए टी पी, ठीक है। अब टी थ्री तो हमें पता है, टी थ्री कितना दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हैं 27 माइनस ए जी पी और टी फोर माइनस ए टी पी, ठीक है, इज इक्वल टू 0.1। तो अब आपको टी फोर और ए डी पी की ऐसी वैल्यूज लेनी है ताकि इसे सॉल्व करने पे 0.1 आ जाए, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट है आपका 1, ये है 0.2, ठीक है, ये है 0.3, ये वाला जहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा ये है 0.4, और ये वाला यहाँ कहीं पे ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मार्क होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला 0.4 है, ये 0.5, ये वाला जहाँ ये है ना डॉट, ये वाला पॉइंट आपको मार्क कर रहा है ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको इस तरह से वैल्यूज लेनी है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसमें एक रेंडमली वैल्यू डाल के देखी थी, तो मेरा ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ रहा था 11.5, ठीक है, और टी फोर उसके करस्पॉन्डिंग आ रहा था 13.5, ठीक है। तो इस तरह से आप भी इसमें अलग अलग वैल्यूज डाल के देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो इसका टेम्परेचर है वो अलोंग अराउंड 10 के समथिंग, 10-11 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इसको आप जूम करेंगे तो ये पॉइंट लगभग 10 पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको और क्लियरली ड्रॉ करिएगा, तो मेरा जो ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ रहा था 11.5 आ रहा था, ठीक है। तो आप भी इसे सॉल्व, आपका 10 भी आ सकता है, अगर आपका ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 10 आएगा तो आपका टी फोर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे 10-9 इसी के रेंज में रहेगा, ठीक है। 9 से जो आपका ए डी पी है, ठीक है, 9 से 11 के बी रेंज में रहेगा, 9 से आप 12 कह सकते हैं, 9 से 12 के रेंज में रहेगा, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करे लाइन, ठीक है, उसी रेंज में ये लगभग रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और टी फोर जो है ये ट्रायल एंड एरर मेथड से यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड जो है आपका वो है ग्रैंड टोटल हीट। तो ग्रैंड टोटल हीट जो होती है ये हो जाती है आपकी रूम सेंसिबल हीट, ठीक है, रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर टोटल हीट, ठीक है। और आउटसाइड एयर टोटल हीट जो होती है ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 0.02 V1 H1 - H2, ठीक है। एच वन पे एंथैल्पी कितनी थी हमारी 90, एच टू पे हमारी एंथैल्पी कितनी थी 45, और वी वन की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये वाली लाइन्स यहाँ पे आपने देखी थी ना, ये 0.92 है और ये 0.9 है, तो इन दोनों के बीच में ये पॉइंट लाई कर रहा था वन वाला, जिसकी वैल्यू हमने 0.91 ली थी, ठीक है। तो वी वन हमारा कितना हो जाएगा 0.91, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो आपको आउटसाइड एयर टोटल हीट मिल जाएगी, ठीक है, जो आपकी आएगी 18 किलोवाट, ठीक है, ये आपकी आएगी 18 किलोवाट, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो वी वन है आपका, ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, ये वी वन ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम रखना है, यहाँ पे आपको रखना है जो इसका एयर इनफिल्ट्रे जो एयर फिल्ट्रेशन का वॉल्यूम है उसको आपको रखना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 18, ठीक है। तो आप इसको रख के देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा, मैं इसको एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ, इंटू 18 इंटू एच वन कितना दिया हुआ है 90 माइनस एच टू कितना दिया हुआ है 45, ठीक है। तो ये आपका समथिंग 16-18 लगभग आ रहा है, 16.2, ठीक है, इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है, 16.2 मैंने सॉल्व किया, 16.2 आ रहा है, ठीक है, आप एक बार चेक करके देखिएगा, ठीक है। तो हमारा आउटसाइड एयर टोटल हीट आ गया, ठीक है। अब हमने रूम सेंसिबल हीट पहले से निकाल रखा है, रूम लेटेंट हीट पहले से निकाल रखा है, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ग्रैंड टोटल हीट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर टोटल हीट, ठीक है। तो आउटसाइड एयर टोटल हीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.02 V1 H1 - H2, ठीक है। वी वन की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है 18, ठीक है, और एच वन कितना है 90 और एच टू कितना है 45, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 16.2 किलोवाट आएगा, ठीक है। रूम सेंसिबल हीट, रूम लेटेंट हीट हम पहले से निकाल चुके हैं, कितनी आई थी हमारी 35.9 किलोवाट, और रूम लेटेंट हीट कितनी आई थी 12.5
5 किलोवाट, ठीक है, आपने पहले से निकाल के रखी होगी, रूम सेंसिबल हीट और रूम रिटेंट हीट, ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ग्रैंड टोटल हीट जो हमारी मिल जाएगी वो मिलेगी, ठीक है। आप एक बार करके देख लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ, ये मिल जाएगी 64.6 किलोवाट, ठीक है, 64.6 किलोवाट। नाउ लास्ट है इसमें अफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। नाउ अफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट टू से, ठीक है, इस वाली लाइन को एक्चुअली हम एक्सटेंड करते हैं अफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम इस वाली लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन से ज्वाइन करते हैं और फिर इसी को एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। जैसे देखिए मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये इस तरह से जा रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये इस तरह से जा रहा है इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए। तो ये जहाँ पे स्ट्राइक करता है ये आ जाएगा आपका 0.76 पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। आप इसको जूम कर लेते हैं, ये जो रेड से लाइन बनी है ना, यहाँ इस वाले पॉइंट से टू वाले पॉइंट को क्रॉस करते हुए जो लाइन जा रही है वो हमारी क्या हो जाती है, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन होती है। और ये कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मिनट, ठीक है, सॉरी, आई थिंक वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो वो पॉइंट कहाँ पे स्ट्राइक हो रही थी, वो हमारी 0.76 पे स्ट्राइक हो रहा था, तो हमारा इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.76, ठीक है। तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.76, ठीक है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने सारे सेंसिबल लोड्स जितने भी लिखे हुए हैं, पहले हमने सेंसिबल लोड निकाला, ठीक है, सेंसिबल लोड, फिर हमने लेटेंट हीट लोड निकाले, सेंसिबल हीट 1, सेंसिबल हीट 2, सेंसिबल हीट 3 और सेंसिबल हीट 4, ठीक है, और लेटेंट हीट 1 और लेटेंट हीट 2, ठीक है। लेटेंट हीट 2 और सेंसिबल हीट 4 निकालने के लिए हमने H1 और HA और H2 की वैल्यूज़ को यूज़ किया, ठीक है, वहाँ से हमने ये लोड निकाले। इन जब ये पता चल गया हमें, तब हमने रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकाला, ठीक है, जो बेसिकली रेशियो है, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो ये रेशियो हो जाएगा 1/1+2 का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करी, जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी 2 से, ठीक है, जो हमारी क्या कहलाई, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, ठीक है। और एक हमने लाइन ड्रॉ करी पॉइंट 3 से, ठीक है, 3 और 4 एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, ये लाइन है 3 से, और ये जहाँ पे स्ट्राइक, ये जो ये वाला पॉइंट है ये ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये पॉइंट 4 है, ठीक है। और जब हमने इस वाले ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट और 4-2 की लाइन को ज्वाइन करा और इसको और आगे एक्सटेंड किया, तो इसने कहाँ पे स्ट्राइक किया, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन से, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप इसको एक बार फिर से चला के पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखिएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल 5th यूनिट में पूछे जाते हैं, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो वहाँ पे भी इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, ठीक है, और सॉरी फॉर सम ग्लिचेस, ठीक है, आई एम सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स आई सॉल्व करते वक्त, बट होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, थैंक यू।